नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 जुलाई, और 17 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में आपकी जीके जीएस के पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न को देखेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन के अनुसार बताइएगा कि आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था या कुचिपुड़ी दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में क्या दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा भी है, ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, ए पैशन फॉर डांस क्या है? तो इनकी एक आत्मकथा का नाम है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंगाई जो नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य में आपका जो ऑप्शन दिया गया था पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों का दिया गया था, जैसे कि नागालैंड दिया गया था, मणिपुर, मिजोरम, असम दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। जो चंगाई जो नृत्य है आपका नागालैंड से संबंधित है। इसके अलावा नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में बात करेंगे तो एक आपका मोदस, इसके अलावा एक आपका बांस नृत्य, एक आपका अग्रिसु कुला, एक आपका तितली नृत्य, इसके अलावा अलयुत्तु, सद्दल, केकई, कुकी, लेसालतु, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोया नासो, रेंगमा, चेचा, कुकी, कुचो, शंख कराई, ये सभी जो नृत्य है दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। जेलियांग जो नृत्य है दोस्तों ये भी आपका कहाँ से? नागालैंड से ही संबंधित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में अंतर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय हम लोग इस पर देते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो फ्री पीडीएफ है पेड पीडीएफ में अंतर क्या है। तो फ्री जो पीडीएफ है दोस्तों आपको कहाँ दिया जाता है? तो ये दोस्तों आपका पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। पेड पीडीएफ की बात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों एक आपका प्राइवेट पीडीएफ बनाया जाता है। ठीक, प्राइवेट ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फ्री पीडीएफ दोस्तों आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, पेड पीडीएफ का दोस्तों शुल्क है जो कि मात्र 25 रुपीज़ है। ठीक है, इसके अलावा फ्री पीडीएफ दोस्तों आपको डेली दिया जाता है, डेली शिफ्टों का। रात को 9 बजे के बाद आपको डेली सब एक शिफ्ट का आपको, मतलब आज 17 तारीख है तो 17 जुलाई का आपको जो पीडीएफ है आपको रात को दे दिया जाएगा। लेकिन पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको क्या होगा कि आपको दो जितना दिन आपका एग्जाम चलेगा सब दिन आपका पीडीएफ जो कि अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, एक पीडीएफ ही आपका रहेगा। मान लीजिए कि 14 और 17 को आपका एग्जाम हुआ है तो 14 17 का अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगा पेड ग्रुप में। इसके अलावा फ्री मेला में सिर्फ आज का मिलेगा, बाकी 14 तारीख वाला पहले आपको डाल दिया गया है तो आप लोग को वहाँ से जाके खोजना पड़ेगा। इसके अलावा फ्री पीडीएफ की बात करेंगे तो फ्री पीडीएफ दोस्तों आपका जो वीडियो रहता है उसका ही पीडीएफ रहता है। ठीक है, उसी का पीडीएफ आपको दिया जाता है। लेकिन पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको अलग से एक्स्ट्रा से क्वेश्चन को ऐड किया जाता है, उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ऐड किया जाता है, तब आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में आपका अंतर है। अगर आप भी पेड पीडीएफ के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग जो आ जाइएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग यहाँ पर है सेव कर लीजिएगा, बाकी और भी जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है 9973741666 है। ठीक है, तो यही फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में अंतर है। फ्री पीडीएफ से भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आवश्यकता है तो ही पेड़ लीजिएगा, पहले ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको पूछा गया था, वो पूछा गया था कि संघ की जो कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वो किस भाग में है। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका है दोस्तों आपका भाग 5 में है, ऑप्शन में भाग 5 आपका दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भाग 5 हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा भारतीय संविधान में टोटल कितना भाग है बता दीजिए, तो आप लोग बताइएगा सर 22 भाग है। तो 2200 भागों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से भाग पढ़ने की ज़रूरत है? तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक कौन कौन से भाग है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, उसको एक नज़र देख लेते हैं। जिनको जरूरत है वही देखिएगा, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। भाग 1 में दोस्तों आपका आता है संघ और उसका क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है,
आपका 14 जुलाई को एग्जाम में ये पूछा गया था। 5 से 11 आपका अनुच्छेद आता है, नागरिकता का अनुच्छेद पूछा गया था। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 4 में आपका DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व आता है, जो कि अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक में वर्णित है। भाग 4 का ए आपका मूल कर्तव्य आता है, जो कि 51A अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा जो भाग 5 है वो दोस्तों आपका 52 से 51 तक, 52 से 151 के अंतर्गत आता है। संघ की कार्यपालिका यही आज पूछा गया था। इसके अलावा भाग 6 से आपका राज्य की कार्यपालिका, जो कि 152 से 237 के अंतर्गत आता है। PDF में हम पूरे 2200 को शामिल कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम बताएंगे तो पूरा जो समय है आपका इसी में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा संघ का जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका प्रमुख आपका कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग को मालूम होगा, लेकिन जब वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो ये दोस्तों आपका कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार आपका एशियन गेम है जो कि होस्ट किया है। तो एशियन गेम्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बार है वो होस्ट किया है दोस्तों आपका थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यह आपका 4 बार आयोजित हो चुका है। वो ईयर कौन कौन सा था चारों बार का, तो 1966 था, 1970 था, 1978 था, 1998 था, ठीक है। ये 4 साल आपका जो राजधानी है बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है वो दोस्तों आपका होस्ट किया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। इसके अलावा पहला जो एशियाई खेल हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था, तो उसका मेजबानी आपका भारत ही किया था। भारत तो किया था, लेकिन भारत ने कब किया था, तो 1951 में किया था पहली एशियाई खेल की मेजबानी। इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 की मेजबानी की बात करेंगे, जो कि दोस्तों आपका कहाँ हुआ है, तो चीन के हांगझोउ शहर में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, तो चीन के हांगझोउ सर में हुआ है। और एशियन गेम 2022 से जो कि आपका केवां संस्करण है, तो ये दोस्तों आपका 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण में 4 संस्करण तो आपका थाईलैंड ने ही होस्ट किया है, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड के बाद जो आपका सेकंड स्थान पर आता है वो आपका दक्षिण कोरिया आता है, जो कि एशियन गेम्स को 3 बार होस्ट किया है, 1986 में, 2002 में और 2014 में। इसके अलावा होंगजाउंग चीन की बात कर लेते हैं, तो होंगजाउंग अगर 2022 में आपका किया है तो ये भी आपका 3री बार आपका मेजबानी करेगा। इससे पहले 1990-2010 में कर चुका है। अब बात कर लेते हैं अपना देश भारत की, कि भारत कितना बार आपका आयोजन किया है, तो भारत 2 बार, एक बार तो 1951 में जब पहला ये एशियन गेम्स हुआ था उसमें किया था, और दूसरा बार 1982 में किया था, ठीक है। तो भारत ने अब तक 2 बार है जो कि एशियन गेम्स का जो मेजबानी है जो कि किया है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो आपका किसने जीता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में वो दोस्तों आपका चाइना ने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आपका चाइना हो जाएगा। चाइना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कितना मेडल जीता है, तो टोटल 207 मेडल चाइना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है। स्वर्ण की बात करेंगे तो 96 स्वर्ण, रजत की बात करेंगे 160, और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की बात करेंगे तो 51। सेकेंड स्थान पे दोस्तों आपका ब्रिटेन है, जो कि आपका 124 मेडल जीता है, जिसमें स्वर्ण आपका 41 था, इसके ब्रिटेन था। इसके अलावा अमेरिका की बात करेंगे एक तो 104 मेडल जीता है, जिसमें स्वर्ण आपका 37 था। नीदरलैंड की बात करेंगे तो 25 स्वर्ण के साथ 5वां स्थान पर, 59 पदक के साथ। रूस की बात करेंगे तो 118 पदक जीता है 36 स्वर्ण के साथ, ठीक है। इसको 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत ने टोटल कितना मेडल जीता है, तो 5, 6, 11, 8, 19 मेडल जीता है। स्वर्ण कितना मेडल जीता है, तो स्वर्ण आपका 5 जीता है, 8 रजत जीता है और 6 कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा बात करेंगे पैरा ओलंपिक का, कि भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था, जो कि क्वेश्चन आपका 14 जुलाई को ये क्वेश्चन आपका बना था, तो 14 जुलाई को ये क्वेश्चन बन चुका है। तो भारत ने पहली बार जो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था वो वर्ष था आपका 1978 का, तो 1978 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2022 का जो आपका सॉरी 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था वो दोस्तों आपका 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था। इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में 5 नए देश शामिल हुए थे, वो देश कौन कौन से थे, एक तो हमारा पड़ोसी देश भूटान था, मालदीव था, ग्रेनाडा था, प्रागवे था, सेंट विसेंट था और आपका ग्रेनाडिनेस था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि टोक्यो 2020 का पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर दोस्तों आपका सोमैटी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना फैक्ट्स है जो कि आप लोग
याद रखिएगा आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित राम नारायण है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सारंगी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 14 जुलाई का SSC जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा जा चुका है, तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंगी की बात करेंगे तो इनके अलावा और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, तो गुलाम अली सबीर खान है, सोहाली यूसुफ खान है, सुल्तान खान है, उस्ताद विंदा खान है, ठीक है। इसके अलावा बीना से बात करेंगे तो KR कुमार स्वामी अय्यर है, दोराई स्वामी अय्यर अयंगर है। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य, विलायत खां, ये सभी आपका सितार से संबंधित है। इसके अलावा बांसुरी से हम लोग देख लेते हैं तो TR महालिंगम, हरिप्रचार सुरसिया, पन्ना लाल घोष आपका बांसुरी से संबंधित है। एक आपका सरोज से देख लीजिए जो कि आपका आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था, तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, MJ अली खान, अमान अली खान, अयान अली, बुद्ध देवदास गुप्ता, बहादुर खान, ये दोस्तों आपका आज के फर्स्ट में पूछा गया था MJ अली खान का, ठीक है। इसी प्रकार से इन सभी को भी देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, लेकिन अगर आप पेड PDF में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आपका पेड पीडीएफ लिखकर या पेड ग्रुप लिखकर कमेंट मैसेज को छोड़ दीजिएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि PM जो डिवाइन जो योजना है वो आपका किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिला था। तो PM जो डिवाइन योजना है दोस्तों ये आपका बता दें आपका पूर्वोत्तर भारत से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित आपका ये योजना है। शायद आपका राज्य का नाम दिया गया था कि नहीं दिया गया था पता नहीं। PM डिवाइन का जो अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है। इसके अलावा इस योजना का जो उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। तो अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि PM डिवाइन योजना से जो सबसे लाभान्वित जो राज्य होगा वो आपका क्या होगा तो मिजोरम ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में सम जो हर्ता होता है उनका जो शब्द है प्रयोग में से निम्नलिखित किस लिए किया जाता है, तो आपका रेवेन्यू कलेक्टर होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है या कलेक्टर जनरल ऑप्शन में दिया गया होगा तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है जो कि किसे दिया गया है, ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, ये प्रश्न क्या पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आपका बता रहे थे स्टूडेंट की आपका ताहिला मैकग्रा थे, ठीक है। कौन थे? ताहिला मैकग्रा थे। तो ताहिला जो मैकग्रा है इसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तो ये खिलाड़ी हैं, इनको ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था, ठीक है। तो क्या आपका ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 ही पूछा गया था? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको प्रमाणित कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार आपको मालूम होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जब ये मौलिक अधिकार में था तो आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, लेकिन जब ये कानूनी अधिकार में गया तो ये आपका आर्टिकल 300 के क में चला गया। इसके अलावा 300 के क बाद बोलिए या अंग्रेजी में ए बोलिए, ठीक है। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपका हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो आपका मौलिक अधिकार था। आप लोगों को मालूम होगा जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन जब ये हट गया तो जो वर्तमान में मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो आपका 6 है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में है। पाठ की बात करेंगे यानी कि भाग की, तो भाग 3 में वर्णित है, ये भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका था कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो पहली बात तो बक्सर की जो लड़ाई है आपका कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो इसका राइट आंसर आपका हेक्टर मुनरो हो जाएगा। इसके अलावा किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, एक तरफ आपका संयुक्त सेना था, संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो पहला तो आपका था शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, एक था आपका सुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एक आपका था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। इन तीनों की संयुक्त सेना के साथ आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, बक्सर का लड़ाई हुआ था, फिर भी आपका ये जो संयुक्त सेना था वो आपका हार गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि
जीत गया था। लड़ाई के बाद आपका कंपनी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो कि आपका मुगल सम्राट था उसके साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा एक और युद्ध आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1757 का प्लासी का युद्ध। ये आपका कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रोपेन का जो रासायनिक नाम आपका क्या होता है, प्रोपेन पूछा गया था या प्रोपीन पूछा गया था? मेरे ख्याल से आपका प्रोपीन पूछा गया था, PROPENE, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों आपका C3H6 होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह क्या है? तो एक असंतृप्त कार्बन यौगिक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो हम लोग किस माप क्या मापने के लिए करते हैं? तो सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में अचानक कंपन या झटके आना ही क्या कहलाती है? तो भूकंप है जो कि कहलाती है। इसके अलावा कुछ और यंत्र है जैसे कि अमीटर हो गया, तो अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा नापते हैं। ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं? तो रक्त का ग्लूकोज यानी कि मधुमेह को नापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं। पारावेनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ओडोमीटर से दोस्तों आपका यात्रा की दूरी को मापते हैं। पाइरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। थर्मामीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं। जाइमोमीटर से हम लोग किण्वन को मापते हैं। और वाल्टमीटर से हम लोग दोस्तों विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज को नापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश में इंडोल्ट का एंटोनिम्स क्या होता है? तो इंडोल्ट के एंटोनिम्स में दोस्तों आपका क्या क्या हो जाएगा? इससे पहले इंडोल्ट का जो अर्थ होता है आपका होता है आलसी, ठीक है। आलसी तो अर्थ होता है लेकिन इसको एंटोनिम्स में क्या क्या होता है? तो इंडस्ट्रियस होता है, एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, डिलीजेंट होता है, बिजी होता है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ब्रिक्स होता है, विजुअल होता है, इंटरप्राइजिंग होता है, ठीक है। इनमें से ही एक ऑप्शन आपके क्या मिलेगा, स्क्रीन पर दिया गया होगा, इसी को आपको क्लिक करना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ट्रेटर का सिनोनिम्स क्या होता है? तो ट्रेटर के सिनोनिम्स में दोस्तों आपका होता है लॉयलिस्ट, पैट्रेट, डिफेंडर, सपोर्टर, नेशनलिस्ट, जिंगो, आपका जिग्नोइस्ट, प्रेटोरस, स्टेट पर्सन। और ट्रेटर का जो अर्थ होता है गद्दार या आपका देशद्रोही होता है, ठीक है। तो इसका आपका क्या पूछा गया था? एंटोनियम से दो की दोस्तों आपका पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्तों आपका पूछा गया था, ये इसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्या था, थोड़ा सा आपको दिक्कत था कि आपका वो पूछा गया था या आपका 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया था, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग भेजा गया है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो कि दोस्तों आपका आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट शायद होगा ही, बाकी आया होगा तो अच्छी बात है। 2023 का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है दोस्तों, पहले तो मेल में बात करेंगे तो मेल में आपका भारत के खिलाड़ी हैं शुभमन गिल को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था? शुभमन गिल को दिया गया था। वहीं पर फीमेल में बात करेंगे तो फोएब लिचफील्ड को दिया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। ये आपका 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का है। किसका है? तो जनवरी का है। इसके अलावा 2022 का जनवरी में दोस्तों आपको किसे दिया गया था? प्लेयर ऑफ द मंथ हीदर नाइट को दिया गया था जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थी फीमेल में। 2022 की जनवरी की बात करेंगे तो मेल में आपका साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को दिया गया था। बताइएगा आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्या दिया, क्या आपका देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका करंट अफेयर से कि 1/7 जनवरी 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने एक डैश एडिशन का इनोग्रेशन किया है, क्या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो आप लोग इसका लैंग्वेज सुधार कर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम PDF को क्या करेंगे उसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत के किस टैक्स का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर इफेक्ट पड़ा था, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया था? अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इक्तेदारी चहलगानी ऑप्शन में इस प्रकार करके दिया गया था लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसको क्या कीजिएगा बता दीजिएगा कि आपका इससे संबंधित है जो कि क्या प्रश्न जो कि पूछे गए थे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों JK GS का अभी तक तो इतना ही प्रश्न मिले हैं जो कि आपके लिए इनफ ही होगा, बाकी इनफ नहीं है तो PDF में आपको दे दिया जाएगा। PDF दोस्तों आपको कहाँ पर मिलता है? टेलीग्राम चैनल पर रोज़ प्रतिदिन आपको दे दिया जाता है, हर शिफ्ट का, हर दिन का, ठीक है। लेकिन हर मतलब इसके अलावा आप
कंबाइंड लेना चाहते हैं, मतलब आज का कल का कंबाइंड का एक सिनर्जी तरीके से पीडीएफ को, तो इसके लिए आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका शुल्क मात्र 25 रुपीज़ रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको सामने दिया गया है, यहाँ से आप लोग पेड ग्रुप लिखकर या पेड पीडीएफ लिखकर आपको मैसेज कर देना है। बाकी और भी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी, अगर आपको ज़रूरत है तभी लीजिएगा, यानी डेली पीडीएफ आपको कहाँ जाता है, टेलीग्राम पर जाता है, बस एक दो क्वेश्चन का ही अंतर होता है, बाकी लमसम सभी क्वेश्चन आपको फ्री पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो जो लोग को ज़रूरत है वही लोग लीजिए, बाकी लोग को पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।